हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। हेपेटाइटिस सी से जुड़े हुए कुछ सवाल अभी कुछ दिनों में जो आपने मुझे भेजे हैं, उसमें आपका जो सवाल है वो ये है कि हमने जो हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट लिया है और ठीक होने के बाद भी हमारी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव है, यानी हम अभी भी पॉजिटिव हैं। तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर उनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगी और आप कुछ दिनों में ही रेगुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और फिर कभी भी आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। तो कुछ गलतियां हैं जिन्हें आप सुधारें। सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इसमें जो ट्रीटमेंट में जो दो दवाएं यूज होती हैं, जो कि एक है आपकी सोफोस्बोरिप और जो कि 400 mg में है, और दूसरी है आपकी डेक्लाटेस्विर। डेक्लाटेस्विर 60 mg में है और इसमें 28 गोलियां हैं। एक एक गोली दोनों में से आपको खानी है, जो एक्सपर्ट्स आपको देते हैं, आपको ये अपने आप नहीं खानी है। जब दोनों गोलियों का जो कॉम्बिनेशन है वो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और हो सकता है आपके नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या फिर डिविजनल हॉस्पिटल हो, जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनमें अवेलेबल है। और ये 3 महीने का कोर्स है, यानी 3 महीने तक आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर खाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये अपनी मर्जी से नहीं, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही इस दवा को लेना है। मैं ये सिर्फ जानकारी के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये कॉम्बिनेशन चल रहा है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। ये कॉम्बिनेशन अगर आप 3 महीने तक बिना एक दिन के भी गैप के अगर आप इसे लेते हैं तो 3 महीने के बाद जो आप रिपोर्ट कराएंगे वो आपकी निगेटिव आएगी और फिर वो कभी पॉजिटिव नहीं होगी। इस दवा में कोई भी सिंगल डे का भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंगल डे का भी कोई गैप नहीं करेंगे, समय पर दवा लेंगे, ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह, किसी दिन शाम, किसी दिन रात ऐसा ले रहे हैं, समय पर खुराक यानी सेम टाइम पर रोज खुराक लेंगे और पूरे 3 महीने तक इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और इसके बाद इसकी दूसरी कोई और दवा की आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें और भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है इस इलाज के दौरान, और वो ये है कि आपको नॉर्मल जो घर में खाना बनता है उसको नॉर्मली, जैसा भी ऑयल पड़ता है, जो घर का ऑयल हो उसे इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा है, जैसे सरसों का तेल है, और उसमें एक्स्ट्रा घी ऐड ना करें जो हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, नॉर्मल खाना खाएं। साथ ही जो मैदा के प्रोडक्ट हैं उन मैदा के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ना करें, मैदा के प्रोडक्ट ना खाएं, जैसे ब्रेड, फैन, पापे, बिस्किट, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप अंडा पसंद करते हैं तो अंडे का वाइट पोर्शन खाएं, अंदर की जो जर्दी है उसको निकाल दें, जो पीला पोर्शन होता है उसको ना लें। अगर आप दूध के शौकीन हैं, आप दूध पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें मलाई निकाल कर आप दूध पियेंगे। सब्जियों में नॉर्मल आप सब सब्जियां खा सकते हैं, बट पालक को छोड़ देना है आपको, पालक को नहीं खाना है, और जो केला है केले को भी आपको यूज़ नहीं करना है। फलों में नॉर्मल थोड़े बहुत फल आप खा सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम की आप फलों का जूस पी रहे हैं या बहुत ज़्यादा अमाउंट में फल खा रहे हैं तो वो आपको थोड़े दिनों के लिए अवॉइड करना है। अगर आप इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान दें, ये मोटी मोटी चीज़ें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लेकिन ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान दे लेंगे तो फिर आप को कोई समस्या नहीं होगी, आप बहुत जल्दी 3 महीने में ही सिर्फ ठीक हो जाएंगे इन दोनों दवाओं के कॉम्बिनेशन से। ये हमारे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट है। लगभग इन दोनों दवाओं की कीमत 10,000 के आसपास है, जो हमारे डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये ट्रीटमेंट। तो आपको वहां पर कॉन्टैक्ट करना चाहिए और वहां पर इस कॉम्बिनेशन को लेकर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इस ट्रीटमेंट को शुरू करना चाहिए। तो मैं समझता हूं अगर आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे और फिर कभी पॉजिटिव नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।